सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 12। और लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर पे ढेर सारे क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। पोटेंशियोमीटर के डिफरेंट एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते, वो सारे एप्लीकेशन हम लोगों ने समझ लिए थे। बेसिकली तीन इसके एप्लीकेशन हैं जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इसके पहले लेक्चर में 11 नहीं देखा है तो सबसे पहले लेक्चर में 11 जाकर देखो, पोटेंशियोमीटर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, इसके डिफरेंट एप्लीकेशन जो समझाए गए उनके कॉन्सेप्ट को समझो, देन आफ्टर कम टू दिस। क्योंकि हम लोग आज इस लेक्चर में पोटेंशियोमीटर पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, इनके एप्लीकेशंस क्लियर नहीं होंगे, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वगैरह जो हम लोग डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 11 में, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो फिर इसमें दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले लेक्चर नंबर 11 फिर लेक्चर नंबर 12। पोटेंशियोमीटर टॉपिक की बात किया जाए, जैसा कि हम सब जानते हैं, मैं हमेशा तुमको बताते आया हूँ कि CUET में एग्जामिनेशन में सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस इंक्लूडेड है। तो ऐसे में इन सब टॉपिक को छोड़ना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम कन्फर्म गारंटी श्योर। और नीट एग्जामिनेशन की बात करोगे तो नीट एग्जामिनेशन में तो पोटेंशियोमीटर तो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से एक रहा है, तो इसके क्वेश्चन आने के बहुत फेयर चांस है, चाहे वो CUET की बात करो चाहे फिर नीट एग्जामिनेशन की बात करो। तो हम बिल्कुल भी इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से इस पे हमको वर्क करना होगा, ढेर सारे क्वेश्चन करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। और बिलीव करो, अगर तुम्हारा बहुत अच्छा से कमांड है इस पे, अच्छे से प्रैक्टिस करके गए हो, तो कोई भी क्वेश्चन होगा विद इन अ मिनट तुम सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए लेक्चर नंबर 11 अच्छे से देख लो, और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए लेक्चर नंबर 12 तुम्हारे सामने है, ठीक है। तो आज हम लोग पोटेंशियोमीटर क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस हम लोग मीटर ब्रिज और वेडिस्टोन ब्रिज पर भी आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक इस तरीके से कम्प्लीट होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारे सामने। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, पूरा देखो भाई, पूरा सर्किट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब कहानी बहुत अच्छे से जिस बच्चों को क्लियर नहीं होगी कि फिगर में क्या चीज़ क्या है, तो फिर दिक्कत है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ लेक्चर में 11th को जाकर के बहुत अच्छे से शांत दिमाग से देखो, चीज़ों को नोट करो, कॉपी करो, देन कम टू दिस वन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर द पोटेंशियोमीटर वायर इज ऑफ 400 सेंटीमीटर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर AB हम देख रहे हैं, इसकी लेंथ हमको बता रहा है 400 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस इज 1 ओम पर 10 सेंटीमीटर, पर 10 सेंटीमीटर का 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो 400 का कितना होगा चेक कर लेंगे हम लोग, वैसे 40 ओम होगा सब पता चल रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट पॉइंट P, फाइंड द लेंथ AB। एक नल पॉइंट हमको पी मिल रहा है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, ये सर्किट में शो करके दिखा दिया। नीचे एक सर्किट लगी है, दो रेजिस्टेंस है 10 ओम और 6 ओम, और बहुत ध्यान से फिगर अगर कोई इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का यूज करके हम लोग 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। लेक्चर नंबर 11 में जो फर्स्ट एप्लीकेशन तुमको मैंने पढ़ाया था वही है ये, ठीक है। इससे बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 11 के तीनों एप्लीकेशन को देखो। तो फिगर को देख के तुम्हें समझ में आ रहा है कि इस पोटेंशियोमीटर को क्या करना है, क्या करना है, तो 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसको नापना है, क्योंकि 10 ओम का एक एंड पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दी हो और दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से। तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने की व्यवस्था की गई है, ये सर्किट देख करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि 10 ओम के अक्रॉस हमको मेजर करना है। तो बच्चों जब मैं 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने गया तो मुझको नल पॉइंट कहाँ मिला, किसी पॉइंट P पर मिला, ये समवेयर हियर। तो तुमसे पूछा है कि इस AP की लेंथ कितनी होगी, What will be the length of AP अगर नल पॉइंट तुमको पॉइंट P पर मिले। तो तुमको याद होगा
अगर नल पॉइंट मुझको पॉइंट पी पर मिला और मैं अपने सहूलियत के लिए मैं एक्स और वाई इन दोनों पॉइंट्स को कह दूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों ए पी का होगा। यही तो तरीका होता है, यही तो पोटेंशियोमीटर करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के बीच है वही ए पी के बीच है, ठीक है, क्योंकि नल पॉइंट मिलने का ये मतलब होता है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, हम लोग जो अच्छा ये हम लोग जो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं बच्चों, अगर मान लो ये लेंथ सपोज दैट एल है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ के बीच वी है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज क्या करते थे बताओ, वी इज इक्वल टू के इन टू एल, इस फॉर्मूले को यूज करते थे, जहाँ वी क्या था इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, एल क्या था उसके लेंथ जो ऑब्वियसली हमको फाइंड करनी है, और के क्या था बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर तुमको लेंथ फाइंड करनी होगी तुमको दो चीज चाहिए, एक वी मतलब ए पी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और के पोटेंशियल ग्रेडियंट। कैसे मिलेगा, जो ए पी के अक्रॉस ड्रॉप है वो एक्स वाई के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के हेल्प से चोर निकाल लेंगे, इसका टेंशन नहीं मिल जाएगा, जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकालने के तरीका हम समझ चुके थे, तो वी निकालो के निकालो एल तुरंत आ जाएगा। चलो पहले के फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या कह रहा है बच्चों, हमें कह रहा है देखो, तो इसमें मैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना भूल गया हूँ, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर का है वो 10 वोल्ट है, लग रहा है मैं डायग्राम ड्रॉ करते वक्त इसको भूल गया था लिखना, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो ऊपर बैटरी हमने लगा रखी है, दिस बैटरी हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट एंड दिस रियोस्टेट हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन होगा फिगर में तो क्वेश्चन में कह देगा, क्वेश्चन में नहीं कहेगा तो फिगर के थ्रू तुमको शो कर देगा, इन्फॉर्मेशन तुमको मिलती रहेगी। तो पोटेंशियोमीटर की जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, नीचे जो बैटरी लगी है वो अलग चीज़ है, ठीक है, रियोस्टेट रेजिस्टेंस 10 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। फाइन, सबसे पहले जो टोटल लेंथ है बच्चों ए बी, टोटल लेंथ ए बी कितना दिया है हमको 400 सेंटीमीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या कर रहा है 1 ओम पर 10 सेंटीमीटर, पर 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो पर 10 सेंटीमीटर का अगर 1 ओम है तो 400 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल सी बात है सर 40 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझको इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं लोग इसके पहले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ से करंट आई इसमें गई यूं गई ऐसे गई, ठीक है। तो इस सर्किट को सिर्फ अगर ध्यान से मैं देखूँ पोटेंशियोमीटर सर्किट को, तो ये 40 ओम और ये 10 ओम बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो करंट क्या होगा सर्किट में I इज इक्वल टू वी बाई 40 प्लस 10, कितना हो गया 50, दैट इज 1/5 और 0.2 एम्पियर, ठीक है, तो 0.2 एम्पियर हमारा पूरा सर्किट में करंट है। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट याद तो है क्या था, इस ए बी के एक्रॉस यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, ए बी के यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं पूरे तार का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो पहले, तो पूरे तार का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा सर आई इन टू आर ए बी, आई कितना है 0.2, आर कितना है बच्चों 40, कितना हो गया 8 वोल्ट, तो इस पूरे तार में 8 वोल्ट का ड्रॉप है, पूरे तार में 8 वोल्ट का ड्रॉप है, तो यूनिट लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द वायर, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ कितना है बच्चों 8 वोल्ट निकाल चुका, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है दैट इज 4 मीटर कह सकते हो, 400 सेंटीमीटर है तो 2 वोल्ट पर मीटर, या ऐसे भी कह सकते हो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका मतलब समझो 2 वोल्ट
पर मीटर, इसकी यूनिट ही इसकी कहानी बयां करती है। 2 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या है? इस लेंथ पर 1 मीटर आगे बढ़ोगे 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, या 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब समझो कहना क्या चाह रहा है। 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ, इसकी लेंथ पर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल में 0.02 वोल्ट का ड्रॉप होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0.02 वोल्ट। ठीक है, बात को समझ में आ रही। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट सबसे पहले फाइंड कर लिया। चलो के का तो काम हो गया, वी नपात, वी मेजर किया जाए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप वही होगा जो एक्स वाई के अक्रॉस होगा। एक्स वाई के अक्रॉस कैसे निकालेंगे? देखो ये 4 वोल्ट है। अच्छा, इसमें जब नल पॉइंट मिलता है तो क्या होता है? नल पॉइंट जब मिल जाता है बच्चों, तो मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर की करंट पोटेंशियोमीटर में रहती है और जो सर्किट की करंट है वो सर्किट में रहती है, कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। तो मेकिंग दिस टू इन सीरीज, तो नीचे के सर्किट में करंट कितनी होगी? I = V / I बोल दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ऊपर I नीचे I डैश, ठीक। V / R कितना हो जाएगा? 16। तो कितना हो गया बच्चों? 1/4, दैट इज 0.25 एम्पीयर। अब मैं XY के अक्रॉस therefore VXY समझ रहे हो? XY के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या होगा? IR कर दोगे, I डैश, मतलब I डैश कितना निकाला? 0.25। R कितना है बच्चों? 10 ओम। तो कितना आ गया तुम्हारा? 2.5 वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप XY के क्रॉस है, वही तुम्हारा AP के क्रॉस भी होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, K मिल गया, L फाइंड कर लो। देयरफॉर L = अब मैं यहाँ से आ रहा, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा हूँ। L = V / K कर सकते हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इस AP के क्रॉस? निकाल चुके 2.5। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है सर दिस वन, 2 वोल्ट पर मीटर। तो इसको सॉल्व करने में कितना है बच्चों? इसको सॉल्व करोगे तो 1.25 मीटर, या कह सकते हो 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर ये AP की लेंथ होगी, 125 मीटर दूर तुमको नल पॉइंट मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? लग रहा मैंने ऑप्शंस कुछ गड़बड़ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शायद ऑप्शन में कुछ गलती लिख दिया था, मैं ठीक कर देता हूँ। 150 वाले को शायद मुझको 125 लिखना था, 150 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो बच्चों 125 सेंटीमीटर दूर हमें नल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं समझना होगा हमें कैसे करना है। ठीक है, तो AP की लेंथ इज 125 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? चलो तो सर कर लो, चलते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बनेंगे। बस देखोगे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस कंडीशन में क्या बातें होती हैं, बस अप्लाई करो फॉर्म तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पोटेंशियोमीटर सर्किट इज यूज्ड टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। याद करो हम लोग बच्चों इसके 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ये भी तो पढ़े थे कि किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। बहुत शानदार इक्विपमेंट है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से काम तुम्हें करके देता है ना। तुमको 2 पॉइंट के बीच एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देगा, बल्कि बहुत इसके अलावा भी काम करेगा। जैसे किसी सेल का तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है, इसका नहीं पता कितना है, वो भी तुमको पता करके देगा। कैसे? देखो, व्हेन द स्विच एस इज ओपन, जब स्विच ओपन है द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 60 सेंटीमीटर। मतलब जब एस ओपन हो
तो बच्चों नल पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, L इज इक्वल टू एट 60 सेंटीमीटर, ठीक है। When S is closed with R is equal to 5 ohm, ये R तुमको 5 ohm दिया, जब S को मैंने क्लोज कर दिया keeping R is equal to 5 ohm, तो नल पॉइंट खिसक करके कहाँ आ गया, at 50 सेंटीमीटर। तो जब ओपन था तो नल पॉइंट तुमको 60 सेंटीमीटर दूर मिल रहा था, जब क्लोज कर दिया तो नल पॉइंट कहाँ मिल रहा बच्चों, 50 सेंटीमीटर दूर मिल रहा है। अभी ओपन का क्या मतलब है, क्लोज का क्या मतलब है, सब हम लोग लेक्चर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझ, इससे बार बार कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने के पहले लेक्चर नंबर 11 अच्छे से देखो, एप्लीकेशन जो पढ़ाए गए हैं, स्विच ओपन होने का क्या मतलब है, क्लोज होने का क्या मतलब, सबको समझा। तो व्हेन स्विच इज ओपन द नल पॉइंट यू गेट एट 60 सेंटीमीटर, और जब हमने एस को क्लोज्ड कर दिया ताकि इससे करंट का फ्लो शुरू हो जाए, तो एल डैश द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट 50 सेंटीमीटर, और जब क्लोज किया तो इस आर को कितना रखा, इस आर को रखा मैंने 5 ओम, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। देन व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, याद करो फॉर्मूला बच्चों लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला याद होगा तभी कुछ बात बनेगी, R इज इक्वल टू आर एल बाई एल डैश माइनस वन, सीधा सा फॉर्मूला था। तो इसमें L वो लेंथ है जब स्विच S ओपन है नल पॉइंट की पोजीशन, और L डैश वो लेंथ होती है जब स्विच S को क्लोज किया जाए तो नल पॉइंट की पोजीशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है साफ कि व्हेन स्विच इज ओपन द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट 60 सेंटीमीटर, नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर हमको मिलता है, और जब इसको क्लोज किया जाए तो नल पॉइंट हमको कहाँ मिलता है, एट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लेक्चर नंबर 11 में, तो सिंपल सा फॉर्मूला में इस क्वेश्चन, अगर तुमको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने में क्या हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, क्या हमारा फॉर्मूला यूज़ होता था, तो फिर आराम से क्वेश्चन विद इन ए मिनट थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। अब जिन्हें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा स्विच ओपन का क्या मतलब है, स्विच क्लोज का क्या मतलब है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। एनीवे तो फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो कैपिटल आर इज कितना दिया हमको, 5 ओम, एल इज 60 सेंटीमीटर, एल डैश जब स्विच क्लोज हो एंड माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 एस इट इज, 60 माइनस 50, 10 बाई 50 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, दिस इज 1 ओम। सिंपल सा कैलकुलेशन है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे तो एग्जामिनेशन में, ये तो एग्जामिनेशन में ही आए हुए क्वेश्चन से सब सारे। तो आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम आंसर क्लियर, तो जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके फाइन। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्या करें। इन द गिवन सर्किट द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 500 सेंटीमीटर, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी देख रहे हो इसकी लेंथ बता रहा है 500 सेंटीमीटर है, चलो अच्छी बात है। एंड रेजिस्टेंस इज 50 ओम, इस पूरे तार का यहां से लेकर यहां तक रेजिस्टेंस 50 ओम बता दिया, और सर्किट को ध्यान से देखो तो 12 वोल्ट की बैटरी है और रियोस्टेट को हमने 10 ओम पर रखा हुआ है। अब क्या किया गया, नीचे एक दूसरा सर्किट है जिससे हम लोग ये जो रेजिस्टेंस आर देख रहे हो, अननोन रेजिस्टेंस, इस आर के दोनों एंड के अक्रॉस, जैसे मान लो पी और क्यू मैंने मान लिया, ठीक है, फिगर देख के मैं समझ लो, ये फिगर से पोटेंशियोमीटर करना क्या चाह रहा है, ये फिगर देख के समझ में आ रहा है कि इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग करने क्या वाले हैं या करना क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस आर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता किया जाए। फिलहाल फिगर देख कर यही लग रहा है कि उद्देश्य यही है कि इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए जो हम करते हैं वही यहाँ पर भी किया जा रहा है। कैसे पता,
रेजिस्टेंस पी आर के एक एंड को मैंने जोड़ दिया है पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से, और दूसरे एंड क्यू को मैंने गैल्वेनोमीटर्स के थ्रू जोड़ दिया जॉकी से। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है ये हम लोग इस प्रकार का तभी करते हैं जब हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होता है। तो ये सर्किट देखकर समझ में आ रहा है कि हमें इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस जॉकी को ए से बी तक आराम से स्लाइड कराते हैं नल पॉइंट के खोज में, और नल पॉइंट हमको मिला। कहाँ मिला? समवेयर एट पॉइंट जे। जे पर हमको नल पॉइंट मिल गया और लेंथ ए जे इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ ए जे इज 100 सेंटीमीटर मुझको पता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। इस अननोन रेजिस्टेंस आर की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। जो सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोग लेक्चर नंबर 11 में कि किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता किया जाए, तो उसमें करते क्या थे, रेजिस्टेंस के दोनों एंड में से एक एंड को जोड़ दिया पोटेंशियोमीटर के तार के एक एंड से और दूसरे को जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। वैसे ही यहाँ पर एकदम किया हुआ। जब नल पॉइंट हमको मिल जाता है कहीं पर भी, यहाँ पर पॉइंट जे पर मुझको मिल गया, तो उस कंडीशन में क्या होता था, इस तार का जो एजे हिस्सा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पढ़ चुके हम लोग इलेक्शन इलेवेंथ में। तो अगर मुझको इस पी क्यू मतलब आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मैं इस एजे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालूँ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। नल पॉइंट हमको जे पर मिल चुका है, कुछ बातें आता रही है। जब नल पॉइंट हमको मिल जाता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम पहले पूरा तरीका समझ जाते हैं कि हम कैसे आंसर तक पहुँचेंगे। पहले वर्चुअली देख लेना चाहिए कि हमको उस रिजल्ट तक कैसे पहुँचना है। जैसे मैं इस आर के क्रॉस मतलब पी क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लेता हूँ। अब तुमको कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पता करके क्या होगा, हमको तो आर फाइंड करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाएगा और किसी तरीके से अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पता कर लूँगा तो ओम्स लॉ अप्लाई करके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी आ जाएगी। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस पी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, फिर करंट का तरीका खोजा जाएगा, आर इज इक्वल टू वी बाई आई कर देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इस 100 सेंटीमीटर के अक्रॉस है। अब 100 सेंटीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता करने के लिए हमको पता करना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। किस तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, मतलब यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप तुमको मिल जाएगा तो 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने में कितना वक्त लगेगा। 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा वो इस रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। फिर कहीं से करंट का जुगाड़ कर लेंगे, आर इज इक्वल टू वी बाई आई कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक वर्चुअल मन में कैलकुलेशन हो जाता है जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो मन में वर्चुअली ये एक प्रोसेस समझ जाते हैं कि ये करके हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे रैंडम क्वेश्चन पे हमको जंप नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते, सबसे पहले फाइंड करते हैं इस पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इसके यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है कि नहीं। अब वो कैसे निकालते थे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मुझको मिल जाए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मुझको अगर मिल जाए, ए बी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अगर वो मिल जाए, तो इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेंथ हमको पता ही है, ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो पता कर लिया जाए। एक तरीका तुमको मैंने बताया था,
पहले वाले क्वेश्चन में। अभी दूसरा तरीका बता रहा हूँ, दोनों में से तुमको जो ठीक लगे कर लेना। नल पॉइंट के कंडीशन में इसकी करंट इसी के अंदर रहती है, तुमको मैंने बताया था, जिससे ये तार का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम आर ए बी कह रहे हैं ना, और ये जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है जो 10 ओम हमें दिया है, इस आर ए बी की वैल्यू पूरी कितनी है, इस आर ए बी की वैल्यू 50 ओम है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 50 ओम और ये 10 ओम किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है किस रेशियो में, रेजिस्टेंस के रेशियो में। तो रेजिस्टेंस के रेशियो अगर मैं देखूं तो आर का रेशियो जो है दिस इज टू दिस 5:1 है कि नहीं। तो ये 12 वोल्ट भी जो है V1:V2 का रेशियो भी कितना होगा, 5:1। सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, कैसे डिवाइड होता है, उनके सेम रेशियो में। तो सेम रेशियो में डिवाइड कर दो 5:1। अब 12 को डिवाइड करोगे 5:1 में तो एक हिस्सा कितना आएगा 10 वोल्ट, दूसरा हिस्सा कितना आएगा बच्चों 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल गया, 10 वोल्ट मिल गया। तो 10 वोल्ट यहाँ रख दो। नाउ यू कम हियर, वी ए बी, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 10, और टोटल लेंथ कितना दिया है 500 सेंटीमीटर या 5 मीटर भी कह सकते हो, 10 वोल्ट बाई 5 मीटर, यू गॉट 2 वोल्ट पर मीटर, और इन सेंटीमीटर 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर भी कह सकते हो। तो एक काम तो हमारा हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी कभी तुम खुशकिस्मत हो सकते हो क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में कभी कभी रेयरली कुछ कुछ क्वेश्चंस में पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट तुमको सीधे क्वेश्चन में दिया रहता है, तो वहाँ हमारा काम और आसान हो जाता है। जहाँ नहीं देगा हमको पहले फाइंड करना होगा, अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो पहले देख लेंगे कि हमको के की ज़रूरत है भी या नहीं है, ठीक है। तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, सोचो इसकी यूनिट को देख करके समझो, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 2 वोल्ट पर मीटर का मतलब क्या हुआ, कि इस तार पर अगर तुम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, तो 0.02 वोल्ट का तुमको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो कि तार पर अगर मैं 1 मीटर आगे बढ़ा, 1 मीटर में आगे बढ़ा, तो पोटेंशियल में 2 वोल्ट का डिफरेंस आएगा, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है। रटो मत किसी चीज़ को, उसकी मतलब को समझो, कि यूनिट देख लो, खुद बता देगा कि उसका मतलब क्या है। अब ये तो मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मुझको अगर ये फाइंड करना है कि पोटेंशियल ऑफ एजे, तार एजे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ठीक है के इंटू एल कर सकते हो भाई, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप इंटू टोटल लेंथ भाई, यूनिट लेंथ में अगर इतना ड्रॉप है तो इतने लेंथ में कितना ड्रॉप होगा, जस्ट मल्टीप्लाई, तो के इज 0.02 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आएगा बच्चों, सीधा आएगा 2 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो 2 वोल्ट आ गया एच, और इसके एक्रॉस 2 वोल्ट है, तो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। इसके मतलब बी क्यू के अक्रॉस, क्योंकि पी और क्यू ए और जे से कनेक्टेड है। यहाँ तक क्लियर है पहले बता। अच्छा, इसकी करंट भी इसी में रहती है, नल पॉइंट जब तुमको मिलता है इसकी करंट भी इसी में रहती है। इसका मतलब कि ये दोनों लोग भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बटता है, हम हमेशा जानते हैं वोल्टेज डिवाइड होता है। तो 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट इसको मिल गया, तो इसे कितना मिलेगा, जाहिर सी बात है 3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर? 3 वोल्ट इसका पोटेंशियल ड्रॉप है, 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर, I=V/R कर दिया। और इसमें अगर 1 एम्पियर है तो इसमें 1 एम्पियर होगी,
तो करंट हमको पहले ही कहता, हमें करंट चाहिए होगा, वोल्टेज मिल चुका है, करंट मिल जाए काम हो जाए। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी कितनी फ्लो करेगी, 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर कहाँ से निकाले समझ रहे, इसका वोल्टेज ड्रॉप 3 वोल्ट था, 3 ओम रेजिस्टेंस था, आई इक्वल टू क्या कर दिया, वी बाई आर, करंट कितना आ गया 1 एम्पीयर, वही 1 एम्पीयर 2 और रेजिस्टेंस आर में भी होगा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू वी बाई आई कर सकते हैं हम लोग। इसका वोल्टेज अक्रॉस कितना है 2 वोल्ट, करेंट कितनी है 1, अननोन रेजिस्टेंसेस 2 ओम इज योर आंसर। ठीक है, तो जो अननोन रेजिस्टेंस हमसे पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आई, दैट इज 2 ओम। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर तुमको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने आता है और तीनों एप्लीकेशन तुमको अच्छे से क्लियर है कि तीनों एप्लीकेशन में किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं, इसलिए बार बार तुमको मैं कह रहा हूँ इस लेक्चर के शुरुआत से ही कि जो लोग भी लेक्चर नंबर 11 नहीं देखे हैं जा करके पहले अच्छे से लेक्चर नंबर 11 देखें, उसे कंप्लीट करें, फिर ही लेक्चर नंबर 12 पे आओगे तो फायदा। ठीक है, तो क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, तो जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुँच जाते हैं। चलते तो चलते बच्चों क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 भी एक एप्लीकेशन पर बेस्ड है, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम लोग 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते थे, उसी प्रिंसिपल पर, उसी एप्लीकेशन पर ये बेस्ड है। क्वेश्चन करा है इन द गिवन सर्किट, सर्किट को ध्यान से कर देख लो, एक पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, एक सेल रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर का वायर ए बी और 2 सेल A1 A2 जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ा है विद अ गैल्वेनोमीटर, जैसा कि फिगर में देख लो। ठीक है, तो 2 सेल हैं जिनके ईएमएफ E1 और E2 हैं, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में एक दूसरे से जोड़ दिया है, जैसा कि फिगर में देख लो। एक सेल का नेगेटिव अगले वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इस बात को ध्यान रखना, इसका जो टोटल ईएमएफ होगा है ना, उसके लिए ये जरूरी होगा कि टर्मिनल्स को देखो कौन किससे कनेक्टेड है। तो सेल E1 का नेगेटिव सेल E2 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो हम ईएमएफ मेजर करने वाले हैं, कॉल दिस पी एंड कॉल दिस क्यू, चूंकि एक का नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो पी और क्यू के बीच का जो टोटल ईएमएफ है, जैसा कि हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन में पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि सेल का जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2, याद आ रहा है, हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पढ़े थे कि एक सेल के नेगेटिव को अगर दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दोनों पॉइंट के बीच का, जिनके बीच में तुम सेल कनेक्ट किए हो, उन दोनों पॉइंट के बीच का टोटल ईएमएफ दोनों के ईएमएफ का सम होता है, ऐसा पढ़े थे। तो ये चीज़ देख कर लग रही है कि तुम जो यहाँ से मेज़र करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से बात समझ लो, जो भी हम लोग नल पॉइंट खोजेंगे तो जो भी इस तार के वजह से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो E1 या E2 का नहीं होगा, वो E1 प्लस E2 का होगा, क्योंकि हम लोग E1 प्लस E2 को बैलेंस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ से तुम जो पोटेंशियल बैलेंस करोगे नल पॉइंट मिलने के बाद वो E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। ठीक है, चलो, इन द गिवन सर्किट द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन एट पॉइंट P। इन दोनों के जो मैं बैलेंस करने गया, E1 E2 को कंबाइन कर दिया, नेट EMF कितना हो गया E1 प्लस E2, और जब इसको बैलेंस करने गया तो नल पॉइंट हमको P पर मिला, और जो लेंथ AP है वो कितना बता रहा है, 240 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ पोलैरिटी ऑफ सेल E2 इज रिवर्स्ड, अब जो सेल E2 देख रहे हैं उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, तो पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, ऐसे कंडीशन में E1 प्लस माइनस E2 होगा, यानी कि तुम जो यहाँ बैलेंस करोगे वो E1 माइनस E2 के बराबर होगा। सब पढ़ा चुका हूँ इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो बच्चे नहीं देखें जाके देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगी।
तो जब हमने इनको ऐसे कनेक्ट किया तो नल पॉइंट कहाँ मिला है, 240 पर। और जब सेल के सेल E2 के पोलरिटी को रिवर्स कर दिया तो नल पॉइंट कहाँ मिला है तुमको, 120 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ EMF ऑफ E1 एंड E2, E1 और E2 के EMF का रेशियो फाइंड करना है। इस कंडीशन में हमने जो मेज़र किया वो क्या मेज़र किया, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 जैसा कि फॉर्मूला पढ़े हम लोग, K इंटू L, L कितना दिया है 240 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर, अगर किसी बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न है सर ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया, तो वही फॉर्मूला है V इज इक्वल टू K इंटू L। यहाँ तुम जो V मेज़र किए वो E1 प्लस E2 के बराबर है, और कहाँ तुमको बैलेंस हुआ है, 240 सेंटीमीटर पे। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू 240। जब E2 को रिवर्स कर दिया, E2 के पोलरिटी को रिवर्स कर दिए, तो जो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अब कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब तुम जब इसको बैलेंस करने के, नल पॉइंट कहाँ तुमको मिल रहा है, 120 सेंटीमीटर दूर मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू 2/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E1 माइनस 2E2। E2 को एक तरफ कर लो तो E2 प्लस E कितना हो जाएगा, 3E2, एंड दिस विल बी E1। ठीक है, तो E1 बाई E2 हमको फाइंड करना था, दैट रेशियो विल बी 3/1 और 3:1। यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आते हैं जहाँ पर हमको सेल के EMF को कंपेयर करना होता है या फिर उनके EMF को हमको फाइंड करना होता है यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, मगर अंडरस्टैंडिंग जिसको होगी तभी, वरना फिर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। हर एक एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़ना, इन्हीं 3 एप्लीकेशन से क्वेश्चन आएगा एकदम कन्फर्म मान के जाए। तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन वीडियो फ्रॉम बीच पर एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, एक व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए एक सर्किट हमको दिया है, जो फिलहाल एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वो 4 ऑप्शन तुमको दे रखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होना चाहिए, ऊपर के दोनों रेशियो नीचे के दोनों रेशियो के बराबर होने चाहिए। फिलहाल ऊपर का रेशियो 2:1 है, नीचे का रेशियो 1:1। इसको हमको बैलेंस करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन हम देखो दे रखा है। 10 ओम शुड बी एड इन सीरीज विद ए, ए के साथ 10 ओम सीरीज में ऐड कर दो। तो सीरीज में ऐड करोगे 10+10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 ये 5 ये 4:1 का रेशियो हो गया, तो 4:1 बात नहीं बनेगी इससे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 ओम शुड बी एडेड इन सीरीज विद बी, अगर 5 ओम मैं सीरीज में जोड़ दूं बी के साथ तो 5+5 कितना हो जाएगा 10, ये बात बन जाएगी 10 और 10 4 और 4, तो 1:1 बात हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज ओके। ठीक है, से हो सकता है काम। 10 ओम शुड बी एडेड इन पैरेलल विद ए, अगर 10 ओम को मैं ए के पैरेलल में जोड़ दूं कुछ ऐसे, तो 10 ओम को अगर तुम ए के पैरेलल में जोड़ोगे तो ये दोनों फिर तुम मिलकर कितना हो जाएगा 5, तो 5 5 4 4, 1:1 ये भी ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 10 ओम शुड बी एडेड इन पैरेलल विथ ए, ये भी चलेगा, अच्छी बात है। 5 ओम शुड बी एडेड इन पैरेलल विथ बी, तो 5 ओम अगर तुम बी के पैरेलल में जोड़ोगे तो 5 और 5 मिलकर 2.5 हो जाएंगे, बैलेंस नहीं हो। तो सिर्फ बी और सी में जो हम लोग करेंगे वो बैलेंस कर सकता है, यानी कि 5 ओम के सीरीज में 5 जोड़ दो ताकि 10 हो जाए, या
10 ओम के पैरेलल में 10 जोड़ दो ताकि 5 हो जाए। तो बी और सी अगर हम दोनों में से कोई भी काम करें बी और सी, तो ये हमारा वीड स्टोन बीच जो फिलहाल बैलेंस्ड नहीं है बैलेंस हो सकता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, तो कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं इसमें, पर अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वहाँ पर भी तुम कन्फ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, तो जल्दी करो, चलते क्वेश्चन 6 की तरफ। तो चलते बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, वीड स्टोन बीच पर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसलिए दो क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कह रहे इन द गिवन नेटवर्क वी बी इज इक्वल टू वी डी, पॉइंट बी और पॉइंट डी के जो पोटेंशियल्स हैं वो सेम है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है। देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इज, इस रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू क्या होगी वो तुमको फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई अगर पोटेंशियल वी बी और वी डी, अगर पोटेंशियल बी और डी सेम हो तो ये जो आर वन और ये जो तुम्हारा पूरा आर टू है और ये तुम्हारा जो आर थ्री है, ये जो तुम्हारा आर फोर है, इनके रेशियो को हमको देखना होगा ताकि आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। जिसको जिसको मैंने घेरा है वो पूरा आर वन है, जैसे ये पूरा मिला के आर वन होगा जो कितना होगा 15 और 6 कितना हो गया बच्चों 21। ठीक है, तो R1 तुम्हारा हो गया 21 ओम। R2 में X छोड़, X है उसको छोड़ दो, 6 और 6 पैरेलल में है कितना हो जाएगा 3, तो 15 और 3 तो R3 कितना हो गया तुम्हारा बेटा 18 ओम। 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा 2, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो R4 कितना हो गया तुम्हारा 6। और वीड स्टोन ब्रिज कहता है कि R1 इज टू R2 जो होना चाहिए वो R3 इज टू R4 होना चाहिए। तो R3 इज टू R4 है कितना, R1 इज टू R2 इज इक्वल टू R3 इज टू R4 है बच्चों 3:1, यानी कि R1 इज टू R2 भी 3:1 होना चाहिए। अगर R1 21 है, R1 अगर 21 है तो जाहिर सी बात है R2 कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, तभी ना 21 और 7 का रेशियो 3:1 आएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि पूरा R2 जो होना चाहिए वो 7 ओम के बराबर होना चाहिए। उस 7 में से 3 अगर ये है, 3 अगर ये है तो ये पूरा कितना होना चाहिए 4। तो 8 के पैरेलल में मैं क्या जोड़ूं कि पूरा 4 हो जाए, तो ऑब्वियसली 8 ओम। तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में कितना हो जाएगा 4, वो 4 प्लस 3 क्या कर देगा 7, और 21 इंटू 7 करोगे तो रेशियो तुम्हारा 3:1 आ जाएगा। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अगर मैं 8 ओम यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये बी और सी, बी और डी के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे और वीड स्टोन ब्रिज तुम्हारा यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन कर लो, चलेंगे फिर आगे। ठीक है, चलिए ओके फाइन। तो आज बच्चों यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे, वीड स्टोन ब्रिज पर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया, पोटेंशियोमीटर पर भी क्वेश्चन लोग करके समझ चुके हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास मैं तुमको दूंगा वो दूंगा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर से भी क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं। तो अगला जो लेक्चर नंबर 13 होगा और शायद इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर भी होगा 13 लेक्चर, जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक पावर, हीट एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, या कह सकते हो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ थर्मल, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की बात करेंगे, या थर्मल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट की बात करेंगे। ठीक है, और वो करने के बाद हम लोग चलेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो, बहुत डायरेक्शन का इसमें बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जैसे ही इस चैप्टर को फिनिश करेंगे आफ्टर 13th लेक्चर विल मूव ऑन टू द मैग्नेटिज्म। ठीक है, आज के इतना ही, कोई अगर दिक्कत हो कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम लोग इस क्लास में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।